पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जर्मनी सैर करने गए थे। उन्होंने वहां जमकर मजे किए, बीएमडब्ल्यू को लेकर फेक खबर चलवाई, पोल खोली तो फजीहत हुई, बारी लौटने की आई तो मुख्यमंत्री साहब पीकर इतने टल्ली हो गए कि लुफ्थांसा ने उन्हें अपने विमान से नीचे उतार दिया। इस बात को लेकर पंजाब में सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ था। संसद में शराब पीकर आने वाले भगवंत मान के बारे में अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया था कि अब वे पीना तो दूर, शराब को हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल के हर दावों की तरह यह दावा भी फर्जी ही साबित हुआ। अब सुखबीर बादल ने ट्वीट कर कहा कि साथ के यात्रियों के हवाले से चौंकाने वाली मीडिया रिपोर्ट सामने आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लुफ्थांसा एयरलाइन से उतार दिया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक शराब पी रखी थी। इसके चलते फ्लाइट 4 घंटे लेट हो गई। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पंजाबियों को दुनिया भर में शर्मिंदा करने वाली है। सुखबीर के मुताबिक एयरलाइंस ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि मुख्यमंत्री मान ने इतनी शराब पी रखी थी कि वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बादल ने यह दावा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से किया। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को प्लेन से उतारे जाने की खबरों को निराधार बताया है। सुखबीर बादल ने आगे लिखा कि चौंकाने वाली बात यह है कि पंजाब की सरकार मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह की रिपोर्ट पर शांत है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल को सफाई देनी चाहिए, भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए क्योंकि इसमें पंजाबी और राष्ट्रीय गौरव शामिल है। यदि उन्हें विमान से उतारा गया था तो भारत सरकार को अपने जर्मन समकक्ष के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए। विक्रम सिंह मजीठिया ने भी इस मामले में भगवंत मान पर तंज कसा है। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इन रिपोर्टों पर जांच की मांग की है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को फ्रैंकफर्ट में उतारा गया था क्योंकि वह कथित तौर पर यात्रा करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने इस मुद्दे को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उठाने की मांग की है ताकि इसका कारण सार्वजनिक हो सके। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने ट्वीट कर कहा कि भगवंत मान ने केजरीवाल से वादा इंडिया में शराब को हाथ नहीं लगाने का किया था, न कि विदेश में। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने इन आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने तय शेड्यूल के मुताबिक दिल्ली लौट आए हैं, ये आरोप निराधार है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मान ने 18 सितंबर को जर्मनी से फ्लाइट ली थी। इन आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने तय शेड्यूल के मुताबिक दिल्ली लौट आए हैं, ये आरोप निराधार है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मान ने 18 सितंबर को जर्मनी से फ्लाइट ली थी, वे दिल्ली 19 सितंबर को लौटे। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार और गलत प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।